अहमदाबाद, गांधी जी की जमीन। लोग कहते हैं ये जमीन अब बदल गई है। कितनी ही बदल जाए, कुछ परंपराएं हैं जो मरती नहीं। अहमदाबाद से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है पीराना। 14वीं शताब्दी में ईरान से पीर इमाम शाह बाबा के आने पर ही इस गांव का नाम पड़ा पीराना, यानी पीर का आना। इमाम शाह बाबा ने यहां आकर बहुत कुछ पाया और जितना पाया उतना ही लोगों को दिया भी। उन्होंने यहां के लोगों की जबान सीखी। इस नई सीखी जबान गुजराती में उन्होंने कुरान का अनुवाद किया। अंत में उन्होंने ये कहा कि सभी धर्मों का सार एक ही है, नेकी और सच्चाई। बाबा के इस विश्वास का नाम पड़ा सतपंथ। यह ताज बाबा को किसी बादशाह ने नहीं, अवाम ने मिलकर दिया था। इस दरगाह की देखभाल करने वाले गेरवे रंग के पटके पहनते हैं और उन्हें सब काका कहते हैं। करसन काका जो उसके मुखिया हैं, उनका कहना है, यह आदेश छे के दरेक कौम एक मंच ऊपर बैसी दरेक प्रार्थना करो, भगवान का स्मरण करो, न समन्वय से प्रार्थना आत्मन से प्रभु के स्मरण करो तो इसमें तुम्हारी सबकी जनत है, सबको भगवान के प्राप्ति मिल जाएगी। बाबा इमाम शाह की यह समाधि धार्मिक एकता का एक अनोखा संगम है। आज भी सभी धर्मों के लोग इसी एक विश्वास के साथ बाबा के मजार पर आते हैं। यहाँ पर कौमी एकता और नात जात का कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन नात जात के लिए कोई छूत अछूत ऐसा कुछ नहीं है। सब साथ में हिलमिल के रहते हैं और हिलमिल के आते हैं और उसकी मन्नत गुजारते हैं, फिर उसकी इबादा मन्नत करते हैं और सब साथ में बंदगी और प्रार्थना भी करते हैं। कहा जाता है कि बाबा ने अपने मजार को अपने जीते जी ही इस गद्दी पर बैठ कर बनवाया था। यहाँ पर लोग अपनी मन्नत मुराद की पूर्ति के लिए बाबा का आशीर्वाद अनोखे ढंग से लेते हैं। पैर में बेड़ी बांधकर दरगाह की ओर चलते हैं। यदि बेड़ी खुल जाए तो ऐसा माना जाता है कि मुराद जरूर पूरी होगी। बाबा के इस दरगाह पर हिंदू रवाज के अनुसार पिछले 500 सालों से ये अमर ज्योति जल रही है।
रोज शाम सूरज ढलने से पहले नक्कारे की आवाज के साथ बाबा के सतपंथी इकट्ठे होते हैं और फिर इस सभा में अमर ज्योति से और दिए जलाकर आसपास के मजारों को भी रोशन किया जाता है। बाबा की दरगाह पर सब मिलकर फिर लोबान और धूप की रस्म अदा करते हैं। और ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे हिंदू और मुसलमान जब इकट्ठे होते हैं तो कोई पता नहीं चलता कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है। और यहाँ पे आने वाले जो भी आते हैं, दरगाह है लेकिन फिर भी यहाँ पे खाना बैठते हैं तो वो हिंदू और मुसलमान सब खाना साथ बैठ के खाते हैं। और ये एक हिंदुस्तान के अंदर कौमी एकता का एक बहुत बड़ा पुरावा है। इंसानियत, मानव धर्म जिसको कहते हैं, वो ये बोध शाह इमामुद्दीन कुफर सिकंदर ने आज से 550 साल के पहले हिंदू मुसलमान सबको दिया है। लोबान की आंच के साथ अमर ज्योत से जलाए एक दिए को इस दरगाह के आले में रख दिया जाता है और इसी के साथ इस सभा की पूर्ति हो जाती है। मजहब के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो एकता यहाँ पर मालूम होती है। जो अभी के ज़माने में महात्मा गांधी ने जो फिलोसॉफी दी कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, वो ही फिलोसॉफी 500 साल पहले हजरत पीर इमामुद्दीन साहब ने दी। इमाम साहब बाबा का एक उद्देश्य ऐसा था कि जहाँ हिंदुस्तान की हर कौम, हर ज्ञाति के लोग एक ही मंच पर बैठे और एक ही मंच पर अपने अपना अलग विचार सरणी होने के बाद भी एक ही मंच पर एक ही ध्यान करके अपने परमपिता परमात्मा का प्राप्ति करें और मोक्ष प्राप्त करें। कि या पीर इमाम साग ज्ञान बोलिया